हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और प्रीति वारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर कुर्ती। कुर्ती के लिए हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम कुर्ती के लिए हेयर स्टाइल बताइए, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ गई थी, तो मैंने सोचा फाइनली अब वीडियो बना देनी चाहिए कुर्ती के लिए। तो देखिए कितने हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, टाइटल में आपको देखने को मिल ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए। सारे हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है, बहुत ही इलिगेंट लगेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे, स्टाइलिश लगेंगे, सबके ऊपर शूट करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, सॉरी बनाते हैं, ट्राई क्या करने। तो सबसे पहला जो हेयर स्टाइल है वो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बीच मांग से। तो उसके लिए मैं बीच की मांग निकाल ले रही हूँ। तो बीच की मांग निकालने के बाद से आपको सिंपली सारे बालों को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है। बहुत आसानी से आप बना लोगे। हो सकता है कि ये हेयर स्टाइल मैंने पहले भी बताया हो, लेकिन ये अभी कुर्ती के लिए बता रही हूँ। तो ये जो जो हेयर स्टाइल कुर्ती पे सूट करेंगे वो सारे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक टिक टैक क्लिप लेना है यहाँ पे, इस तरीके से हेयर को हटा दीजिएगा और यहाँ पे ले जाकर टिक टैक क्लिप से सेट कर दीजिएगा और हेयर से टिक टैक क्लिप को हाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारा इस साइड का बन गया है पूरा अच्छे से। आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो अगर आपके फेस पे सूट करते हैं तो, और आप चाहो तो अगर आपका हेयर थोड़ा सा लूज पड़ रहा है तो आप एक और टिक टैक क्लिप लेके और जस्ट उसी टिक टैक क्लिप के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा और हेयर ज़रूर लगाइएगा उसके ऊपर से, ताकि आपका जो क्लिप है वो हाइड हो जाए। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बना लीजिए, है ना, बहुत ही ईजी सा और इलेगेंट स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल। तो ये हमने बना लिया, फिर सेम यहाँ पे भी हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिएगा और यहाँ से हेयर को हटा दीजिएगा, यहाँ पे ले जाके टिक टैक क्लिप से इसको सेट कर दीजिए। और हेयर को इसके ऊपर से इस तरीके से गिरा लीजिए। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है और कुर्ती के लिए मैंने अभी कुर्ती ही पहनी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल इसके साथ, कुर्ती के साथ, और काफ़ी ईजी तरीके से बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। अब आपके फेस पे किस तरीके का लेयर सूट करता है वो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कट करवा लीजिएगा। अगर आपका राउंड फेस है तो आपके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग लेयर का सूट करेगा, अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आप इस तरीके के फ्लिक्स कट कराइएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया कुर्ती के लिए। वाह, है ना, बहुत ही ईजी था। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, लॉन्ग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, आप सब पे बना सकते हो ये हेयर स्टाइल। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। मैंने अपने आईब्रोज फिल नहीं किए हैं जिसकी वजह से ये दिख ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इग्नोर कीजिएगा। आप पूरा रेडी होकर ये हेयर स्टाइल बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो भी बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कल मैंने बताया था कि पफ बनाने का बहुत ईजी तरीका, तो कितनों ने कमेंट किया था कि अच्छे से पफ नहीं बना है, तो वो मैं बता देती हूँ अभी यहाँ पे। तो इस तरीके से सिंपली आपको हेयर ले लेना है थोड़ा सा, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इसमें एक रबड़ लगा लेना, पतला वाला रबड़ यूज कीजिएगा, मैंने यहाँ पे मोटा वाला ही यूज कर लिया है क्योंकि इसके साथ ही मैं हेयर स्टाइल बता दूंगी तो रबड़ हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से रबड़ लगाने के बाद से आपको सिंपली जो आपका पोनी है उससे नीचे नीचे की तरफ से थोड़ा सा हेयर ले लेना है। ओके, थोड़ा सा हेयर लेके और इसको छोड़ देंगे, जो हमने पहले थोड़ा सा हेयर लिया था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, और नीचे से जो हेयर है उसी को खींचना है, तो आपका पफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये देखिए, तो आज का पफ हमारा अच्छे से बन गया ना, जो जिन्होंने भी कमेंट किया था कि पफ अच्छे से नहीं बना है तो उनको आई होप कि समझ में आ गया होगा। नीचे वाला हेयर खींचना है और इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा आपका पफ बन के रेडी हो जाएगा। अब जो आपकी रबड़ बैंड है उसको सिंपली आगे की तरफ पुल करते हुए क्लिप लगा दो या क्लचर लगा दो, आपका पफ बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से खींच भी सकते हो। तो मुझे अभी इसके ऊपर हेयर स्टाइल कम्प्लीट करना है, तो ये पफ पता चल गया आपको कि पफ कैसे बनाना है। अभी आपको दूसरी साइड से ये वाला हेयर लेना है थोड़ा सा, और जो आपका रबड़ बैंड है उसके ऊपर से इस तरीके से लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके आएंगे और एक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे। फिर
सेम दूसरी साइड से करना है, हेयर लेके जाना है, और जो हमारा रबड़ बैंड है उसको ऊपर से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ लाके इसको भी टिक टिक क्लिप से या फिर यू छोटी वाला जो क्लिप आता है हमारा बॉबी क्लिप उससे सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके का लुक आएगा बैक से, और फ्रंट से हल्का सा पफ का लुक आएगा। अगर आपका पफ बिगड़ रहा है तो आप इस तरीके से खींच सकते हो और साइड से लेयर्स निकाल सकते हो। दैट्स इट, आपका सेकेंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, वो भी कुर्ती के लिए। आप चाहो तो फ्रंट में अपने हेयर को इस तरीके से रख सकते हो। तो कुर्ती के साथ ये सेकेंड हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बताइएगा, और ये पफ बनाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में ऐसे बीच मांग से करने वाली हूँ, आप चाहो तो साइड मांग से भी कर सकते हो इसको। काफ़ी इजी इजी हेयर स्टाइल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं किसी भी ओकेजन पे, पार्टी पे, शादी में आप ये सारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। अब थर्ड हेयर स्टाइल में आपको थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेना है, यहाँ से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से, और सिंपली इसको आपस में ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट करके अगर लेयर्स ना दिखे तो एक एक लेयर्स को थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा। ओके, तो अभी हमारा से अच्छे से लेयर दिखने लग गया है, ये देखिए। अब इसको सिंपली बैक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ से हेयर को हटा के यहाँ पे सिक्योर कर देंगे, और यहाँ से हेयर से इसको हाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेना है। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो ये भी हेयर स्टाइल कुर्ती के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, लॉन्ग कुर्ती जो आप लोग पहनते हो उसके लिए है ये हेयर स्टाइल, सारे हेयर स्टाइल, और आप सूट पे भी बना सकते हो। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। जो फोर्थ हेयर स्टाइल है वो हम लोग साइड पार्टीशन से करेंगे। थोड़ा ज़्यादा ले लेना है जब आप पार्टीशन कर रहे हो, तो इधर से हेयर थोड़े ज़्यादा लेने हैं। ओके, एक साइड हेयर को रखना है। ये वाला हेयर स्टाइल आप लॉन्ग फेस पे भी करोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और यहाँ से सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्ट करते जाना है। और पूरा क्राउन एरिया तक इस तरीके से ट्विस्टिंग करके जाएंगे, और यहाँ पे एक टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर देंगे। सेकेंड ट्विस्टिंग लेंगे इसी तरीके से सेम। उसी क्लिप के ऊपर इस तरीके से हेयर को रखते हुए फिर से क्लिप से सेट करेंगे, और थर्ड वाला सेक्शन लेंगे। अब सिंपली यहाँ पे ले जाके और तीनों ट्विस्टिंग को यहाँ पे सेट कर देंगे, और दैट्स इट, सारे हेयर को एक साइड ले आएंगे। और ये लंबे फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा, और शॉर्ट फेस पे भी कर सकते हो। ऑल हेयर फेस के लिए अच्छा है हेयर स्टाइल, बट आप लंबे फेस पे करोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। तो ये हमारा, और बड़ी बड़ी इयररिंग्स या बालियाँ डालोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो पाँचवें हेयर स्टाइल में क्या करना है, साइड का पार्टीशन ऐसे ही रखना है, और इस साइड के हेयर्स को सिंपली लेयर निकालनी है लंबी सी एक, और यहाँ से हेयर को इस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा सा सेक्शन लेके बालों का हल्का सा ट्विस्ट करना है, हल्का सा पुल भी करेंगे तो साइड का पफ का लुक आ जाएगा, और यहाँ पे
सिक्योर कर देना है। दैट्स इट। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। और इसी तरीके से ओपन रख सकते हो हेयर को। और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट होगा। छठे हेयर स्टाइल में आपको इसी हेयर स्टाइल में एक पोनी बना लेनी है और यहाँ से जो लेयर निकाले थे उसको निकाल देना है। ये तीनों हेयर स्टाइल आप लॉन्ग फेस पे कर सकते हो, बाकी अदर भी किसी का फेस टाइप है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे लंबे फेस वाले कंफ्यूज रहते हैं कैसा हेयर स्टाइल करें, तो ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा उनके लिए। इस तरीके से बना लेना है ट्विस्टिंग करके। यहाँ से एक हॉल करना है, इस तरीके से खींच लेना है। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। आपको अगर रबर बैंड हाइड करना है तो थोड़ा सा सेक्शन लेके बालों का रबर बैंड के ऊपर लपेट देना है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप ब्राइड बना लीजिएगा, लंबे बालों के लिए भी हेयर स्टाइल बताई है मैंने, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और एक यू पिन लेना है और यहाँ से अंदर की तरफ पिन करते हुए यू पिन को सिक्योर कर देना। और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। तो जो छठा हेयर स्टाइल है ये छोटे फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और अच्छा दिखेगा। अदर फेस टाइप भी कर सकते हैं, बट छोटे फेस वालों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो सिंपली आपको आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है बालों का एंड इसको ट्विस्ट करते जाना है। बैक में ले जाके क्लिप से सिक्योर करते जाना है। फिर से एक और सेक्शन लेंगे बालों का और ट्विस्ट करेंगे। आप चाहो तो बैक में ले जाने के बाद उसी क्लिप में चाहो तो दूसरा क्लिप ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादातर अपने हेयर स्टाइल बहुत कम से कम क्लिप में यूज़ कर बनाना पसंद करती हूँ। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी कर लेना है। ये हमारा छठा हेयर स्टाइल होगा। जिसका भी गर्ल्स का फेस अगर बहुत छोटा है तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या फिर फोरहेड छोटा है तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा। हल्का हल्का आगे की तरफ खींच लेंगे। तो सॉरी गाइज, लाइट चली गई और 2 दिन से बारिश हो रहा है तो लाइट आ भी नहीं रही है, और इन्वर्टर पे मैं वीडियो शूट कर रही थी और तब तक इन्वर्टर की बैटरी लो हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा छो हेयर स्टाइल। मैं और भी बताने वाली थी बट लाइट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बता पा रही। तो ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो छोटे बाल छोटे फेस पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। और इस तरीके से ओपन रखोगे बालों को। तो ये 6 हेयर स्टाइल थे जो कि खुले बालों पे कुर्ती ड्रेस पे बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत स्टाइलिश लगेंगे। तो सब हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा। और ये जो बीच में असुविधा के लिए खेद है, बट आगे से ट्राई करूँगी कि पूरी रोशनी के साथ वीडियो बनाऊँ, बट बारिश का मौसम है, अगर वीडियो नहीं जाता है तो भी दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा वीडियो बना ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज़।